फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का बहुत ही मजेदार नाश्ता। ये देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और आप इसे झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी घर में अवेलेबल सामान से। तो ये देखिए, मैं इसको आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा नाश्ता बना है। आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन में भी झटपट तैयार करके दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा नाश्ता बना है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम अपना नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। बनाएंगे कच्चे आलू का बड़ा ही मजेदार सा नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल जार लेंगे और उसमें दो टमाटरों का, मैंने यहाँ पे दो टमाटरों को लंबे लंबे काट लिया है और इसमें डाल देंगे। इसकी हम बनाएंगे बहुत ही खट्टी मीठी सी एक मजेदार चटनी। और ये यहाँ पे मैंने आधा इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी डाल देंगे हम इसके अंदर। अब हम इसमें डाल देंगे दो से तीन लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची से क्या होगा, हमारी चटनी थोड़ी तीखी भी बनेगी और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे हम दो से तीन लहसुन की कलियां और इसमें डाल देंगे हम एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच से भी कम नमक, या फिर आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो हम चटनी फ्रेंड्स जैसे कि खट्टी मीठी बनाएंगे तो इसमें हम थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बहुत थोड़ी सी चीनी, जिससे कि इसका खट्टा मीठा टेस्ट आए, चटपटी खट्टी मीठी टेस्ट आए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू, नींबू की जगह आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप खट्टा खाना नहीं पसंद करते तो आप नींबू भी पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी एकदम पिसकर तैयार है। अब हम चलेंगे दूसरे प्रोसेस की तरफ, अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, अब हम अपना फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको पैन को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून के बराबर तेल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें तेल डाल दिया है, अब तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए हमारा जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच राई, इसको चटकने देंगे। इसमें डाल देंगे एक इंच के बराबर हींग। हींग अगर आप खाना पसंद नहीं करते तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। हमारी जो राई है वो बहुत तड़कती है, वो इधर उधर जाती है, तो इसको हम ढककर तड़कने देंगे। ये देखिए हमारी राई तड़क चुकी है अच्छे से फ्रेंड्स। और आप यहाँ पर कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, मुझे कड़ी पत्ते का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसलिए मैं इसमें कड़ी पत्ता नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चटनी, फ्लेम एकदम स्लो करके तब हम इसके अंदर जो है अपनी चटनी ऐड करेंगे। इसको चला देंगे ये देखिए, और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, फ्लेम हाई कर देंगे यहाँ पर, और इसको हम ढक देंगे ताकि ये इधर उधर छिटके तो हमारा गैस भी गंदा ना हो और छींटे हमारे ऊपर भी ना आए। तो इसको हम ढककर पकने देंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारी जो चटनी है अच्छे से पक रही है, ये देखिए इसमें कितने बबल्स आ रहे हैं। इसको हम और अभी 1 मिनट हो गया है, हम इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से पकने देंगे और ढक देंगे इसको। हम अपनी चटनी चेक कर लेंगे, इसे 3 से 4 मिनट हो गई हैं और हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है। हम अपना फ्लेम अब बंद कर देंगे और अपना नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जो ये मैंने कच्चा आलू लिया था, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। दो आलू लिए थे मैंने कच्चे और इनको धो के मैंने ग्रेट कर लिया और इन्हें मैंने पानी में डाल के रखा था, तब तक हमारी चटनी बननी थी। और इसको हम बाउल में डाल देंगे, पानी में डाल के इसलिए रखें फ्रेंड्स ताकि जो हमारे आलू है काले ना पड़े। हम यहाँ पे कच्चे आलू का नाश्ता बना रहे हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। आलूओं को लेकिन याद रखें पानी में जरूर डाल के रखें, अगर आप उसे पानी में डाल के नहीं रखेंगे तो आलू हमारे काले पड़ जाएंगे और जो हमारा नाश्ता है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पे और भी कुछ वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा मैंने गाजर ली है, इसको कद्दूकस करके ले लिया है, मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ, ये एकदम ऑप्शनल है। और आपको पसंद है तो आप इसमें और ढेर सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक, ये मैंने बिल्कुल देखिए छोटा छोटा काट लिया है बीज निकाल के टमाटर, छोटे साइज का टमाटर है, इसको इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए
ये इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पालक। मेरे पास पालक था तो मैंने थोड़ा सा काट के इसमें डाल दिया है। पालक की जगह आप हरा धनिया या फिर कड़ी पत्ता भी वैसे बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और फ्रेंड्स इसे बनाना इतना ईजी है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ पे इसमें आधा चम्मच से भी कम थोड़ा नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा नींबू और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा जो नाश्ता है बहुत ही कलरफुल बनकर तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसमें हमने नींबू और नमक डाल दिया है तो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। हमारी जो है ये मिक्स हो गया है। हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। अब हम इसको ढककर साइड रख देंगे। हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर का जार। ये मैंने मीडियम साइज वाला मिक्सर का जार लिया है। अब ये मैंने एक कटोरी ली है सूजी, ग्राम्स में देखेंगे तो 100 ग्राम है। इसको इसके अंदर डाल देंगे। आप बारीक मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी से मैंने हाफ कटोरी दही ली है। ये होममेड दही है, फ्रेश दही है एकदम। इसमें हम डाल देंगे, ग्राम्स में देखेंगे तो 100 ग्राम है और रूम टेम्परेचर पे मैंने दही ली है। अब इसमें मैं डाल दूंगी दो छोटी हरी मिर्च, इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नमक। ये देखिए नमक हमने अपने स्टफिंग में भी डाला है तो नमक हम देख कर डालें। अभी हमें थोड़ा सा इसमें नींबू डाल दूंगी थोड़े खट्टेपन के लिए। इससे क्या है ना हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा और ये नाश्ता एकदम बहुत ही यूनिक लगता है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ी सी 1/4 स्पून से भी कम चीनी। इसमें चीनी और नमक मैंने इसलिए ऐड करा है, ये जो नाश्ता है ना इसका टेस्ट थोड़ा ब्रेड जैसा आता है तो इसे जब आप खाएंगे आपको समझ नहीं आएगा ब्रेड खा रहे हो या सूजी और आलू का नाश्ता। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल से हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और इसमें मैं फिर से डाल रही हूँ आधा कटोरी पानी, जितना मैंने दही लिया था। अब हम इसको ढककर पीस लेंगे। ये देखिए हमारी जो सूजी है हमने पीस कर तैयार कर लिया है और ये देखिए हमारा बैटर हमने इस कंसिस्टेंसी में रखा है। ना ये बहुत ही पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा, हमें इस ही तरह का चाहिए ताकि इसे जब हम पैन में डालें तो ये अच्छे से फैल जाए चारों तरफ। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैं इस बाउल में अपना बैटर निकाल ले रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक उत्तपम मेकर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी तवे पर भी इसे बना सकते हैं। इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के। ये देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने गैस की तरफ। ये हमने अपना उत्तपम मेकर गैस पर रख दिया है। यहाँ पे मैंने अभी मीडियम फ्लेम रखा है गैस का। अगर आपके पास ऐसा उत्तपम मेकर नान केक की तरह, तो हमारा उत्तपम मेकर अभी देखिए थोड़ा गर्म होने लगा है। हमारा उत्तपम मेकर अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपने आलू को मिक्स करके रखा था इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको पैक कर देंगे एकदम गोलाई में। बिल्कुल हमने जो अपना पेस्ट था सारे उत्तपम मेकर में डाल दिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच से भी कम लिया है बेकिंग सोडा। हम इसको इसमें डाल देंगे अच्छे से। बेकिंग सोडा लिया है मैंने, आप बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर देंगे 1 मिनट के लिए। अच्छे से इसको घुमा लेंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। आप फ्रूट सॉल्ट इनो का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो सोडा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए हमारा बैटर फूलने लगा है। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ये अपना जो बैटर है डाल देंगे। इसको हम बीच में ही डालेंगे, अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा, नीचे तक ये चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे गोलाई में। हम आलू को अच्छे से इससे कवर कर देंगे और इसे सेट कर देंगे। हम अपने सारे आलू पे अपना बैटर डाल देंगे और आलू अच्छे से कवर कर देंगे। हम इसको ढककर 1 मिनट के लिए मीडियम गैस पर कुक कर लेंगे। हमारी 1 मिनट हो गई है। हम अपना नाश्ता चेक करेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता अच्छे से कुक हो गया है। इसका देखो कलर भी चेंज हो गया है। हम इस पे ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तभी हम अपना नाश्ता पलटेंगे। और ये देखिए इसमें जालियां भी पड़ गई हैं। मैंने सारे नाश्ते पे ऑयल लगा लिया है। अब हम इसे पलटेंगे के ही इसको हम कुक कर लेंगे। ये हमने पलट लिया है और इसे हम 1 मिनट के लिए उधर से कुक करेंगे बिना ढके। हमारी 1 मिनट हो गई है। हम अपना नाश्ता चेक करेंगे। ये
देखिए, और देखिए इधर से कितना अच्छा हमारा नाश्ता सीखकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी हमारा नाश्ता बना है। ये देखिए, हम अपने सारे नाश्ते पलट लेंगे। हमने अपने नाश्ते पलट लिए हैं। अब हम इधर से इनको किनारों को अंदर करते हुए इन्हें भी एडजस्ट कर देंगे ताकि ये भी अंदर तक सिक जाएं। ये देखिए हमारा कितना प्यारा नाश्ता बना है। ये आप बच्चों के टिफिन में बना के दें, झटपट बन जाएगा। और इसे बनाने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट्स हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। हम इसे एक बार उलट पलट के और सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से, फिर से पलट देंगे। हमने जो इसमें कच्चे आलू डाले थे ना, वो बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि हमने नमक और उसमें नींबू डाला था, तो वो अच्छे से एकदम जल्दी पक जाते हैं। तो हमारा नाश्ता इधर से भी सिक कर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। बहुत ही मज़ेदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से हम अपना सारा नाश्ता बना लेंगे। फिर से हम अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा आलू इसके अंदर रख देंगे, सेट कर देंगे गोलाई में अच्छे से। मैंने फिर से इन्हें पैन में डाल लिया है अच्छे से, और इसके ऊपर हम अपना बैटर डाल देंगे। फिर से बैटर हम डालेंगे एक बार, इसे फिर से चला लेंगे क्योंकि हमारा बैटर रखे रहने से थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसे चला लेंगे। और फिर से हम इसके ऊपर डाल देंगे आलू, कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम अभी स्लो करके रखा है। अच्छे से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए सेट कर दिया है मैंने अच्छे से एकदम। बैटर को हमने थोड़ा पतला रखा है तो अच्छे से चारों तरफ फैल जाता है। हम बीच में डालने से ही देखिए चारों तरफ फैल जाता है। अगर नहीं फैले तो आप इसको अच्छे से चारों तरफ फैला दें, और अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डाल के उसको पतला कर सकते हैं। इसको फैला देंगे। हमारा जो है बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे ढककर मीडियम गैस पे 2 मिनट तक पका लेंगे। हमारी 2 मिनट हो गई हैं। हमने अपना बैटर, ये जो हमारा नाश्ता है आलू का, एकदम ऊपर से देखिए सिक गया है। इसमें थोड़ी जालियां भी पड़ गई हैं। अब हम इस पर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाए बिना इसको हम बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। इस पर ऑयल लगा देंगे अच्छे से, इस तरीके से। अब इसे हम पलटे के हाथ से फिर से पलटेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना फ्लिपी बनकर तैयार हुआ है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए आप बच्चों के टिफिन में से झटपट बनाएं। सुबह के नाश्ते में जब हम सोचते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं, तो कच्चे आलू लें और झट से इसको बना के तैयार कर लें। और कोई भी इंग्रेडिएंट्स हमें बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको हम फिर से पलट देंगे। इधर से हम फिर से 1-2 मिनट इसे इधर से पकने देंगे। इसे सिकने में दोनों तरफ से लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। बहुत टाइम नहीं लगता है, जल्दी बनकर एकदम तैयार हो जाता है। और ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें। हमारी 1 मिनट हो गई है। हम अपना नाश्ता चेक करेंगे, इसको फिर से पलटेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता इधर से भी कितने अच्छे से सिक चुका है। सारे नाश्ते हम पलट लेंगे, अपने पलट लेंगे। ये देखिए इस पे डिजाइन भी कितना अच्छा आया है। बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसको हम अलट पलट के और 1 से 1.5 मिनट सेक लेंगे दोनों तरफ से। हमारा नाश्ता बन गया है। अब हम यहाँ पर अपना फ्लेम बंद कर देंगे और अपना नाश्ता, सारा नाश्ता प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता बना है। और इतना नाश्ता आप 2 से 3 फैमिली के लोगों के लिए बन के तैयार। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म आलू, कच्चे आलू का नाश्ता बनकर एकदम तैयार है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए दोनों तरफ से, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे फ्रेंड्स आप एक बार जरूर बनाएं। यहाँ पे मैंने टोमेटो की चटनी बनाई है, खट्टी मीठी चटनी। और अगर आप ये चटनी नहीं खाना पसंद करते तो आप इसको हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।